पंजाब में जहरीली शराब से मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। जहरीली शराब से मरने वालों की जो संख्या है वो 63 हो चुकी है। यहाँ पर तरन तारण में 42, अमृतसर में 12 और बटाला में 9 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक जहरीली शराब से 63 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। विशाल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, ये जो आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है, अभी फिलहाल के आंकड़े की देखिए, जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट है आंकड़े जुटाने में लगा हुआ है फील्ड में, क्योंकि हर एक गांव में देखा जा रहा है और आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं कि जहरीली शराब कहां कहां गई। और सबसे जो चौंकाने वाला आंकड़ा तरन तारण में आ रहा है, जहां पर 42 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और ये भी अंदेशा जताया जा सकता है कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़ा जब बढ़ेगा। और इसी तरह अमृतसर में भी 12 लोगों की मौत हो चुकी है, बटाला में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, तो कुल मिलाकर 63 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इस संबंध में जो तरन तारण के डीसी थे, उन्होंने भी पुष्टि कर दी है कि अभी तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद जो आंकड़ा है लगातार बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता हैं, उन्होंने भी कल अपने प्रेस रिलीज में जो पुष्टि कर दी थी कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कितना बढ़ेगा अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता। और जिस तरह से लगातार ही मौतों की दर बढ़ती जा रही है, उसी तरह प्रदेश की जो राजनीति है वो भी गर्माने लगी है। और अब से थोड़ी देर बाद ही जहाँ पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल तरन तारण, अमृतसर और बटाला का दौरा कर सकते हैं, और इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता भी बटाला में पहुंचे हुए हैं और सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा जो नेक्सस था वो किस तरह से बॉर्डर रेंज में चल रहा था, किस तरह से जो कच्ची शराब थी लोगों की। विशाल, क्या कोई बड़ा अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जहरीली शराब इस तरह से किस तरह से ये सप्लाई हुई किसी को कुछ भी नहीं पता। देखिए, काफी लंबे अरसे के साथ ही जो बॉर्डर बेल्ट है वहां पर जो शराब का काला कारोबार था वो चलता आ रहा था। किसी ने भी इस ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटाई, ना ही किसी पुलिस अधिकारी ने, बड़े ने, क्योंकि जब भी जो कच्ची शराब है या देसी शराब है जिसको हम कह सकते हैं, तो वो बॉर्डर एरिया में ही बनती है, लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बेची जा रही थी सारे बॉर्डर एरिया में, तो उसी के लिए एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है जो कमिश्नर जलंधर है उनके नेतृत्व में, तो उनके साथ ही कई जिलों के एसपी लगाए गए हैं। पुलिस बेशक रेड कर रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन अब इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद पुलिस भागदौड़ में जुटी हुई है। यदि पहले जुट जाती तो इतना बड़ा हादसा ना होता लोगों। ठीक है विशाल, आप नजर बनाए रखें, लगातार जानकारी हम आगे भी लेते रहेंगे आपसे।